हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, यानी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। ओके, अब देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं और ये है, ठीक है। ओके, तो ये देखा जाए तो एक दूसरे को कितना भी आप बढ़ा दो, ओके, ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ओके, यही इसका सिद्धांत होता है। ओके, अब यहाँ पे कारण समझते हैं। देखिएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसे मान लो एक रेखा ये हो गया, दूसरा रेखा मान लो ये गया, तो एक दूसरे को देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को ये रेखा प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो यही जो है क्वालिटी नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दिक सूची दो दिशाओं को इंगित करेगा, यानी कि आप देखोगे अगर दो चीज़ अगर जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, ओके, तो यहाँ आप देखोगे कि एक इस टाइप इस साइड का दिशा बता रहा है और ये इस साइड का दिशा बता रहा है, यानी कि दो दिशा बता रहा है, ठीक है, जो कि असंभव है, ठीक है, जो कि क्या है, असंभव है। यही कारण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ओके, एक ही कारण है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो दो दिशा इंगित होगा, जो कि असंभव है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में एक ही डायरेक्शन के में सारे के सारे किरण जो है उसके जो लाइन है वो जाते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।